फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर जाएगी और इसको मोदी जी को इसको इंटरनेशनल हॉलीडे घोषित कर देना चाहिए इस मूवी के लिए एक दिन। इंटरनेशनल एक मतलब वॉयलेंस आई अवॉइड इट बट वॉयलेंस लाइक्स मी सो आई कांट अवॉइड इट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं KGF चैप्टर 2 ट्रेलर के ऊपर फैंस का एक्साइटमेंट। जैसे कि आप जानते हैं 27 मार्च को YouTube पर KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। वो ट्रेलर देखने के बाद फैंस का क्या एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर और क्या एक रिव्यू रिएक्शन है वो आप देखने वाले हैं। आपने KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर देखा? जी देख लिया। किस तरह का लगा ट्रेलर? जी एक्साइटमेंट जो है ना वो सातवें आसमान पर है इस मूवी के लिए। तो एक्टर यस है उसमें, तो एक्टिंग के बारे में क्या कहने जाएंगे एक्टर इसके? एक्टिंग के बारे में जी सबसे मेन पॉइंट जो इसका देखने का है वो अधीरा का रोल, संजय दत्त जैसे एक बहुत बढ़िया एक्टर है और बहुत ही गजब एक्टिंग कर रखी है उसने इस मूवी में। लेकिन जो एक्साइटमेंट संजय दत्त के लिए है वो यश के लिए नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि एक्टर यश के लिए एक्साइटमेंट नहीं है, अधीरा के लिए एक्साइटमेंट है। अधीरा के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अच्छा, तो संजय दत्त का रोल है अधीरा। तो कुछ और बताना चाहेंगे किस तरह का अधीरा का किरदार है, क्योंकि हम विलन के किरदार में देख रहे हैं संजय दत्त को। विलन के किरदार में जी वो इतना गजब जो उसने एक्टिंग की हुई है, जो उसका लुक है वो एक नंबर का लुक है। जिस हिसाब से वो तलवार चला रहा है इसमें ट्रेलर में, उम्मीद करते हैं कि मूवी में उससे ज़्यादा अच्छी चलेगी। तो क्या लगता है फिल्म कितना अपना बिजनेस करेगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किस तरह का रहेगा? सारे रिकॉर्ड तोड़ के जाएगी भी। जब फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब RRR ने तोड़ा है, इसके बाद में KGF इसका भी तोड़ देगी। संजय दत्त के कुछ डायलॉग पसंद आया आपको ट्रेलर में? मैं अपना क्या है वो मैं अपना KGF वापस लेकर रहूँगा। और कुछ एक्ट्रेस का कुछ पसंद आया और डायलॉग आपको, जैसे उसमें कई डायलॉग है एक्ट्रेस के भी? उसका डायलॉग है वो वॉयलेंस आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड इट बट वॉयलेंस लाइक्स मी सो आई कांट अवॉइड इट। तो इनसे भी हम बात कर ले, तो आपको किस तरह का लगा ट्रेलर KGF चैप्टर 2 का? अरे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि रॉकी ने करी पहले पार्ट में, रॉकी भी अच्छी उनने वो करी अपनी, हाँ जैसे कि उसने भी संजय दत्त दोनों अच्छे हैं ना वो कर रखी। रॉकी जैसे भी, जैसा और कोई हीरो होता तो रॉकी जैसी वो नहीं कर सका था एक्टिंग, रॉकी अच्छा हुआ है। तो आपको रॉकी का किरदार पसंद आया ट्रेलर के अंदर? हाँ। तो क्या लगता है फिल्म किस तरह का बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर? आज ही बस खड़दू तरवा देगी बस, तो तुम पूछो ना। तो कितना एक्साइटमेंट है आपको फिल्म को लेकर? फुल किस तरह से? कुछ हाँ जी, बस सातवें आसमान में कहना, नितिन का अभी इसने बोला सातवें आसमान पे वो है। तो डायलॉग पसंद आया? हाँ जी, डायलॉग इसने बोल ही दिया वही डायलॉग बस। तो एक्ट्रेस के बारे में रवीना टंडन है, श्रीनिधि शेट्टी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस उनके बारे में कुछ नहीं, हमारे तो दो है बस, ये रॉकी और संजय दत्त, ओनली वन। इनके लिए मूवी अच्छी लग रही बस। क्या लगता है किस तरह की फाइट दोनों के बीच देखने को मिले, क्योंकि KGF को लेकर जो गोल्ड माइन है उसको लेकर के दोनों के बीच विवाद है और फाइट होगी, तो क्या लगता है? बस क्या लगता क्या, जब संजय दत्त जिस मूवी में आ जाए फिर तो दे बताने का वो आई नहीं, फिर तो संजय दत्त तो आता ही है। संजय चैप्टर 2 का ट्रेलर देखा? जी। किस तरह का लगा ट्रेलर? ट्रेलर काफ़ी अच्छा था, मतलब तो फिल्म तो 14 अप्रैल को रिलीज होगी सिनेमा करो जी। तो ट्रेलर देखने के बाद किस तरह का एक्साइटमेंट है? बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी फाड़ देगी। क्या किस तरह का कलेक्शन रहेगा कुछ बताओ? जाएगा 500 करोड़ से ऊपर जाएगा। तो किसका किरदार बढ़िया था, अधीरा? मुझे संजय दत्त का सबसे अच्छा लुक लगा है ट्रेलर में, और जैसे कि और कैरेक्टर भी हैं मगर जो सबसे अच्छा लगा है मुझे संजय दत्त का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है। फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर जाएगी और इसको मोदी जी को इसको इंटरनेशनल हॉलीडे घोषित कर देना चाहिए इस मूवी के लिए एक दिन। इंटरनेशनल हॉलीडे? हाँ इंटरनेशनल, एक मतलब एक दिन की छुट्टी जरूर होनी चाहिए इंटरनेशनल हॉलीडे। तो किस तरह का एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर KGF चैप्टर 2? जी मैं आज फर्स्ट टाइम मूवी देखने आया हूँ। अच्छा, तो मैंने इसका इस मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखा, मैंने सुना है अपने फ्रेंड लोगों से कि बहुत अच्छी मूवी है। तो 14 अप्रैल को सिनेमा घरों में होगी, तो फिल्म देखने जाओगे? जी हाँ जी। तो क्या लगता है किस तरह का फिल्म ब्लॉकबस्टर रहेगी, हिट रहेगी, कितनी कलेक्शन करेगी, कुछ बताना चाहोगे? ये बहुत अच्छी मूवी जाएगी, बहुत अच्छी हिट जाएगी। पार्ट 2 का ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर देखा। किस तरह का लगा? बढ़िया। तो किस तरह का एक्साइटमेंट है ट्रेलर देखने के बाद? ट्रेलर तो बिजनेस बढ़िया करेगी। तो क्या लगता है फिल्म हिट होगी, क्या रहेगा, क्या हिट रहेगी, किस तरह का बिजनेस करेगी फिल्म, कुछ बता सकते? इसका रिकॉर्ड तोड़ेगी RRR का। तो एक्टर यस है उसमें, रॉकी का किरदार निभा रहे हैं, तो एक्टिंग कैसी लगी आपको? बढ़िया। जो आपने ट्रेलर देखा कोई डायलॉग पसंद आया आपको? नहीं, डायलॉग तो मैंने सुने नहीं उसके भी।
ट्रेलर देखा तो आपने, पसंद आया उसमें? पसंद आया सारा ट्रेलर। किस तरह का ट्रेलर लगा? संजय दत्त का भी बढ़िया रोल है और उसका भी। संजय दत्त के अलावा रवीना टंडन एक्ट्रेस जो है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सब बढ़िया। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चाहते हैं फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो देखना तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।